तो यार गाइस आ चुका मैं एक और न्यू स्टेटस वीडियो के साथ में। गाइस आप भी इस तरीके से स्टेटस वीडियो सिर्फ एक क्लिक में बना सकते हो, ना तो आपको काइन मास्टर की ज़रूरत होती है, नहीं गाइस आपको किसी वीडियो मटेरियल की ज़रूरत होने वाले। तो गाइस आप लोग ऐसा स्टेटस वीडियो ना बहुत आसानी से बना सकते हो। तो गाइस आपको क्या करना होगा, इस वीडियो में एंड तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करके भी ज़रूर से जाना। तो गाइस आप ऐसा स्टेटस वीडियो बनाने के बाद में ना आप इसको इंस्टाग्राम रील्स या फिर अदर प्लेटफॉर्म पर अपलोड करोगे ना तो गाइस आपका स्टेटस वीडियो गाइस वायरल भी हो सकता है। तो गाइस आप बना कैसे सकते हो, आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में गाइस ये आपको कहाँ मिलेगा और कैसे आपको डाउनलोड करना है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो गाइस आप पहले इसमें ये देखो, आप इसको ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर क्रिएट वीडियो का, ठीक है। तो गाइस आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में गाइस फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ओपन होने के बाद में ना आप सबके सामने बहुत सारे टेम्पलेट आ जाते हैं। तो गाइस अभी जैसे कि ये ओपन हो जाए, आप गाइस ओपन होने से पहले गाइस आपके पास एक ऐड आ सकता है, तो गाइस आप यहाँ से इसको क्लोज कर देना। अब गाइस आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट आ जाएंगे, जैसा भी आप देख सकते हो। इस तरीके से गाइस आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट आ जाते हैं, लेकिन गाइस आप लोगों को क्या करना है, गाइस आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे। तो गाइस आप जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको इस मटेरियल के ऊपर बताया, मतलब गाइस मैंने आपको सॉरी इस टेम्पलेट पर बताया, ठीक है। तो गाइस आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस मैं इसका साउंड यहाँ से कम कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। पहले गाइस आपके सामने यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आता है, तो गाइस आपको डाउनलोड कर लेना होगा। गाइस ये आपको डाउनलोड हो जाएगा, इसके लिए आपका नेट ऑन होना चाहिए। ओपन होने के बाद गाइस आप ये इसको डाउनलोड करो ना, डाउनलोड करते फिर आपके सामने यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, ठीक है। अब गाइस मैं इस पर क्रिएट का ऑप्शन पर जाऊँगा तो मेरे सामने गाइस दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला इमेज, सेकेंड वाला इमेज। गाइस फर्स्ट वाला इमेज जो आपको यूज़ करना है ना गाइस, वो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, मतलब गाइस इस लाइट से ऊपर उसका सर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो गाइस जैसे मैं आपको बता देता हूँ, तो गाइस पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसके बाद में गाइस आपके सामने यहाँ पर आपके फ़ोटो आ जाते हैं। तो गाइस जैसे कि मैं इस फोटो को यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, अब गाइस ये फोटो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, ठीक है। मतलब गाइस इस फोटो में ये है कि गाइस ये फोटो थोड़ा ये नीचे बैठा हुआ है, इस वजह से गाइस यहाँ पर ये बिल्कुल फोटो सही आने वाला है, जैसे अभी आप देख सकते हो, ठीक है। अब गाइस ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा कहीं हो कि आपका फोटो आपके उस जो लाइट है ना गाइस उसके ऊपर जा रहा हो, जैसे अभी आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में गाइस आपको सेकेंड वाले फोटो पर भी जाना है। सेकेंड वाले फोटो पर जाने के बाद में गाइस आपको यहाँ पर सेकेंड फोटो ऐड करना है। अब गाइस आप सेकेंड फोटो कैसा भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो गाइस अपन जैसे कि इस फोटो को यहाँ से ऐड कर देते हैं, इसके बाद गाइस आपको यहाँ से इसको क्रॉपिंग के ऑप्शन पर जाओगे, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब गाइस दोनों फोटो आपके ऐड हो चुके हैं। ऐड होने के बाद में ना फिर गाइस आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना और आपका जो स्टेटस वीडियो ना गाइस वो बनने के बाद में वो आपके गैलरी में डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब गाइस आप लोगों को जैसे कि अभी यहाँ पर 90% हो चुका है, अब गाइस ये आपका स्टेटस वीडियो इस तरीके से आपको दिखने वाला। तो गाइस देख सकते हो गाइस यहाँ पर लाइटिंग वगैरह जो है बिल्कुल सही बैठा है इमेज के साथ में, और दूसरा फोटो जो है वो इस तरीके से आपका यहाँ पर बैठ चुका है। तो अगर इस तरीके से आपका स्टेटस वीडियो बन जाएगा तो इसके बाद आप इसको जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा या अदर किसी भी जगह पर शेयर कर सकते हो। अगर आप गाइस यहाँ पर इसको शेयर नहीं भी करते हो ना तो आपका स्टेटस वीडियो तो गाइस वैसे भी आपके गैलरी में सेव हो चुका है। तो गाइस आप अपन काइन मास्टर एप्लीकेशन में चलते हैं, तो ठीक है। अब जैसे गाइस आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है, आपको कोई ज़रूरत तो नहीं है एप्लीकेशन ओपन करने की, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ अगर आप करना चाहते हो तो। अब गाइस आप लोगों को काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है, अगर गाइस आप ओपन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो गाइस आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं होती, बिना उसके भी गाइस आपका स्टेटस वीडियो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ से काइन मास्टर पर जाओगे ना तो गाइस आपको यहाँ से नैन वाला रेशो ऐड करना है, इसके बाद में गाइस आपका जो स्टेटस वीडियो है गाइस वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। तो गाइस जैसे इस स्टेटस को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, तो गाइस जैसे अभी आप देख सकते हो गाइस ये स्टेटस यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो गाइस थोड़ा सा अपन आगे बढ़ेंगे ना, गाइस यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद तो गाइस यहाँ पर एक स्टेटस यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है ना, तो गाइस यहीं से आप लेयर के ऑप्शन पर जाकर मीडिया पर जाने के बाद यहाँ से गाइस आप इसको यहाँ से बॉर्डर लाइन को ऐड कर देना, जैसे अभी आप देख सकते हो। अब गाइस आप इस बॉर्डर लाइन को ऐड करना चाहते हो तो यार गाइस आप कर सकते हो, नहीं तो गाइस आप बिना इसके भी इसको रख सकते हो। जैसे गाइस आप देखो, आप जैसे कि बॉर्डर लाइन के बाद ये स्टेटस आपका कैसा दिखने वाला है।
अब गाइस बॉर्डर लाइन के बाद में आपका स्टेटस ऐसा दिखता है। अगर आप बॉर्डर नहीं लगाना चाहते तो गाइस आपका स्टेटस वीडियो ऐसे दिखता है। तो अगर इस तरीके से आपका स्टेटस वीडियो बन जाएगा तो गाइस बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन बॉर्डर लाइन क्या गाइस थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। तो अगर आप बॉर्डर लाइन लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। तो अगर आप लगाओगे तो गाइस आपको काइन मास्टर में आना ही पड़ेगा, वरना गाइस आप बॉर्डर लाइन नहीं लगाओगे तो गाइस आपको काइन मास्टर की ज़रूरत नहीं होने वाले। तो अगर इतना था इस वीडियो में, इसके बाद अगर आप इसको एक्सपोर्ट कर देना और आपका स्टेटस वीडियो बन जाएगा। तो अगर इतना था इस वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो यार सब्सक्राइब करके भी ज़रूर से जाना। तो अगर यही था आज की इस वीडियो में।